हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2019 में आईटी ऑफिशियल्स ने जब अलीगढ़ के कचौड़ी वाले मुकेश कुमार की दुकान पर रेड मारी, तब उन्हें ये पता चला कि एक कचौड़ी वाला असल में लखपति था, जिसकी सिर्फ कचौड़ी बेचने की वजह से सालाना इनकम पूरे 60-70 लाख रुपीस की थी। लेकिन ये अकेला ऐसा इंसान नहीं है। आज की तारीख में ये ठेले वाले यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही इंडिया की जीडीपी में पूरे 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और यही पैसा देखकर जो 90% लोग अपने गांव छोड़कर शहर आते हैं, वो ज्यादातर ठेले वाले ही बनते हैं, जिनकी संख्या दिन बर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि आज की तारीख में पूरे इंडिया में करीबन 50 से 60 लाख ऐसे ठेले वाले मौजूद हैं। पर अब सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि आखिर कैसे इंडिया के रोड साइड वेंडर्स इतने पैसे छापते हैं, और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी से अपनाते हैं कि लो प्रॉफिट होने के बावजूद भी ये सीक्रेट मिलियनेयर्स बन जाते हैं। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इन टुडेज वीडियो, हाउ लुक्रेटिव इज इंडियाज मोस्ट कॉमन रोड साइड ऑक्यूपेशन / रोड साइड वेंडर्स इन इंडिया। दरअसल भाई लोग, जितने पुराने हम हैं उतना ही पुराना स्ट्रीट वेंडिंग का ये धंधा है, क्योंकि पुराने समय में मॉल्स या शॉपिंग सेंटर्स तो होते नहीं थे, तब लोगों को अपनी जरूरत के सभी सामान इन्हीं ठेले वालों से लेने पड़ते थे। और इसीलिए तो बात चाहे एंशियंट पीरियड की हो या मिडिवल पीरियड की या फिर इवन मॉडर्न पीरियड की, इन स्ट्रीट वेंडर्स को हर कोई जानता है और इन्हें अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हर गली हर मोहल्ले नुक्कड़ तक पहुंचकर लोगों की निजी जरूरतों को पूरा करते हैं, और फिर चाहे इसके लिए इन्होंने वीकली मार्केट्स लगाए हो या कोई मेला। सिर्फ यही नहीं, आज भले इन ठेले वालों का धंधा एक शहर या एक इलाके तक ही रह गया हो, पर पहले ट्रेडर्स अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना माल जैसे कि स्पाइसेस फैब्रिक्स वगैरह बेच खरीदते थे। और वो कैसे करते थे हिस्टोरिकली, ये आपको तो पता ही होगा, उस समय का फेमस सिल्क रूट जो चाइना से थ्रू मिडिल ईस्ट यूरोप को कनेक्ट करता था। मतलब आप यहाँ ये कह सकते हो कि ट्रेडिंग तो हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, बस पहले फिजिकली ट्रेड करते थे जहाँ पर हम एक कमोडिटी देके दूसरी लेते थे, और आज हम डिजिटली ट्रेड करते हैं जहाँ हम कोई चीज देके रिटर्न में पैसे लेते हैं। और देखा जाए तो ऑनलाइन आज आप सिर्फ कमोडिटीज ही नहीं बल्कि स्टॉक्स, करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हो, जो ऑनलाइन वैल्यूएबल कमोडिटीज है, और बस उसके लिए आपको चाहिए होता है बेसिक ट्रेडिंग स्किल्स और मार्केट का नॉलेज। एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन स्टार्टअप पॉलीगॉन को ही देख लो, जिसे जयंती कानानी, संदीप नैलवाल और अनुराग अर्जुन ने मिलकर बनाया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर यूजर्स को अपने न्यू सिक्योर एप्लीकेशन बिल्ड करने का मौका देती है। और आप मानोगे नहीं, पॉलीगॉन ने इन तीनों को इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो बिलियनर बना दिया है। इतनी प्रॉमिसिंग है ये टेक्नोलॉजी, जो कि एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग ही है। अब ये तो टेक्नोलॉजी की बात थी, लेकिन मैं आपको ये भी आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप वड़ा पाव या चाट बेच के अमीर बन सकते हो। लेकिन उसके पहले आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, जिसे इलॉन मस्क ने तक फ्यूचर की करेंसी कह दिया है। और उसमें अगर आप इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो, अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको सिर्फ कॉइन स्विच कुबेर रेकमेंड करना चाहूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है, और ये ऐप अपने जेन्युइननेस के लिए माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका KYC भी करवाया जाता है, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही किया जाता है। और ऊपर से इसका इंटरफेस इतना इजी है, जैसे कि आप घर पे खाना मंगा रहे हो या फिर शॉपिंग कर रहे हो। और शॉपिंग से याद आया, कॉइन स्विच कुबेर आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, इस ऐप पे रजिस्टर करना है, और आपको 50 रुपीज के बिटकॉइन फ्री मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आप प्रॉपरली क्रिप्टो करेंसीज में रिसर्च करके इसमें पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जिसकी वैल्यू हर किसी एसेट क्लास की तरह आगे बढ़ती रहेगी और आपको बाद में आगे इसका मुनाफा मिलेगा। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो कॉइन स्विच कुबेर ऐप और 50 रुपीज वर्थ के बिटकॉइंस फ्री पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हालांकि आज भी इन ठेले वालों की कोई फिक्स जगह नहीं होती, ना ही इनके पास खुद की कोई रजिस्टर्ड दुकान या जगह होती है, जिसका सबूत है ये रिपोर्ट, जिसमें पता चला था कि मुंबई 2.5 लाख रोड साइड वेंडर्स का घर है, जबकि उनमें से लाइसेंस सिर्फ 15,000 लोगों को ही मिला है, यानी 10% से भी कम लोगों के पास रजिस्टर्ड दुकानें यानी ठेले हैं। और जिनके पास नहीं है, वो कभी भी कहीं भी किधर भी अपनी हाथ गाड़ी उठा लेते हैं, तो कभी अपने सिर पर टोकरी रख लेते हैं, और फिर ज्यादा फायदे वाली जगह पर जाके अपना माल बेचने लगते हैं, और अगर कोई पुलिस वाला आ भी जाता है तो उन्हें हफ्ता खिला देते हैं। इनकी इसी काबिलियत ने इन्हें आज हर कंट्री के इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है, खासतौर पर इंडिया का, जिसमें ये 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि यही वो वेंडर्स है जो चाहे आंधी आए या तूफान, बिजली गिरे या खुला हो आसमान, हर जगह हर गली चौराहे पे इंसान की जरूरत को पूरा करते हैं।
करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन चाहे एसी में सूट बूट में बैठा हो या फिर कड़कती धूप में खड़े ये वेंडर्स हो, बिना फायदे के कोई अपना काम आगे नहीं बढ़ाता। और उसी फायदे के लिए हर धंधे में इन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है जो अक्सर मुनाफे से कई गुना कम होती है, खास तौर पे इन रोड साइड धंधों में, जहाँ इन सभी की इन्वेस्टमेंट उतनी ही होती है जितने में उनके एक दिन का जरूरी सामान आ जाए। खुद ही देख लीजिए, ये ढोसा वाले अन्ना है जो रोजाना अपने 12 घंटे के धंधे में 200 वड़ा, 500 इडली और 350 डोसा बेचते हैं। और इसमें से बिकने वाली हर चीज की कुल लागत रोजाना 6,000 की होती है, जिसमें इनके स्टाफ की सैलरी भी शामिल है। पर लोगों को 20 रुपए में इडली और 20 रुपए में मेदू वड़ा खिलाकर ये महीने में 1,37,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। और ऐसी ही कुछ कमाई सड़क के किनारे खड़े इन बिरयानी वालों की भी होती है, जहां बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले सामान का रोज का खर्चा कुछ 6,000 आता है और लगभग 7,000 से 8,000 की इनकी बिक्री होती है, जिस वजह से इनका महीने का प्रॉफिट कुछ 45,000 से 50,000 का होता है। हालांकि ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सड़क किनारे ग्राहक के इंतजार में खड़े हर ठेले वाले की कमाई इतनी ही होती है, क्योंकि इनका फंडा यही होता है कि जितनी ज्यादा भीड़ उतना प्रॉफिट, जितने कम लोग उतना नुकसान। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कोविड-19, जब लॉकडाउन के दौरान इन ठेले वालों को हर जगह धंधा लगाने नहीं मिल रहा था और उसपे सही से चीजों की बिक्री भी नहीं हो रही थी, जिस वजह से 37 दिनों में उन्हें 49,000 करोड़ रुपयों का नुकसान भुगतना पड़ा था। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं, धंधा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें नुकसान और फायदा दोनों होता है। बट समझना हमें यह है कि ये ठेले वाले ऐसी कौन सी युक्ति लगाते हैं जिसकी बदौलत इन्हें कई बार लाखों का फायदा हो जाता है। वेल, इसके लिए ये अपनाते हैं कुछ स्टेप्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। स्टेप 1, लो प्रॉफिट मैक्सिमम कस्टमर्स का। जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं ना, वो सभी अपना मॉडल कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं जिसमें उन्हें कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा प्रॉफिट हो। किंतु ठेले वालों का लॉजिक थोड़ा अलग होता है। इनके मुताबिक अगर ये अपनी चीजें सस्ते में बेचेंगे तो इनके पास कस्टमर बार बार आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी अन्ना के यहाँ पर इडली खाते हैं तो वो इडली 15 से 20 रुपए प्लेट मिलती है, जिसमें 2-3 रुपए का प्रॉफिट रखते हुए ये वेंडर्स बाकी का पैसा अपने सप्लाई चेन में शामिल लोगों को दे देते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या हेल्पर्स या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इससे होता ये है कि प्रॉफिट की रकम भले ही कम होती है, लेकिन इनका सामान ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और इनके पास कस्टमर के दोबारा आने का स्कोप बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, प्रॉफिट के साथ मार्केटिंग। स्टेप 2, बेटर डिस्काउंट रेट, जिसको आई एम श्योर आप सभी ने भी मार्केट से धनिया पुदीना लेते टाइम एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी हम बाजार से धनिया या पुदीना लेते हैं, ठेले वाले भैया उसके साथ हमें कढ़ी पत्ता या फिर हरी मिर्ची कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। देखा जाए तो इसमें उनका कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन कढ़ी पत्ते को कॉम्प्लीमेंट्री देकर वो हमें इन अ वे डिस्काउंट दे देते हैं। और इसे अगर हम साइकोलॉजिकल वे में देखें, तो जब भी कोई आपको कुछ फ्री दे तो आपके अंदर एक अर्जेंसी जगती है उसी जगह से बार बार खरीदने की, क्योंकि आपका ब्रेन आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सामने वाला इंसान आपको नॉर्मल रेट में दो चीजें दे रहा है। वहीं कोई ये नहीं कर रहा तो आपको लगता है कि क्यों ना यहीं से अगली बार भी खरीदा जाए, जहां से फ्री मिल रहा या फिर एक ही बार में ज्यादा खरीद लिया जाए। और इससे हम फिर उसी शॉप में चले जाते हैं और उनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और उनसे अच्छा खासा माल खरीदते हैं और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करते हैं। स्टेप 3, इक्वल अपॉर्चुनिटी मार्केट। ये इनकी मार्केटिंग का वो तरीका है जिसके बारे में सोचने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनीज को साल लग जाते हैं, लेकिन ये लोग चुटकियों में अपने ठेले को यहाँ से वहाँ करते हुए अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बना ही लेते हैं। इसीलिए तो जिस चना चाट वाले को आप सुबह जॉगर्स पार्क के बाहर खड़ा देखोगे, शाम में वही आपको किसी वाइन शॉप के बाहर नजर आएगा, क्योंकि बंदे को दोनों वक्त चना ही बेचना होता है। बस उसे ये पता है कि किस समय में किस जगह पर उसका चना तगड़ा बिकने वाला है और वो दोनों जगह के अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर रहा है। स्टेप नंबर 4, कस्टमर इज द विनर। और ये वो स्टेप है जिसमें कस्टमर जीत के भी नहीं जीतता और वेंडर हार के भी नहीं हारता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीट शॉपिंग, जहां दुकान वाला आपको कोई एक टी-शर्ट की कीमत 700 रुपए बताता है, लेकिन जब आप उसे मोल भाव करने लगते हो तब वही टी-शर्ट वो आपको 400 रुपए में दे देता है। इस पूरे प्रोसेस में आप एज्यूम करते हो कि वो टी-शर्ट की रियल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और आपको आपके प्राइस में मिली, जबकि टेक्निकली ये सब उस वेंडर की स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ही ऐसे सेट करते हैं कि उसके भाव को तोड़ने मरोड़ने पे भी उसका नुकसान नहीं होता। और इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी रोड साइड वेंडर से डील कर रहे हो कपड़े खरीदने के लिए, तो तगड़ा नेगोशिएट करो, क्योंकि अच्छा चांस है कि प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके रखा गया है, क्योंकि इन वेंडर्स की यूएसपी ही उनके टारगेट कस्टमर्स होते हैं, जिन्हें अगर सस्ते में कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो उनके लिए वो सबसे बड़ी जीत होती है।
जिसे खुद ये वेंडर्स कबूल भी करते हैं। पर किसी भी बिजनेसमैन की स्ट्रेटेजी तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक वो यूनिक ना हो, और हमारे यहाँ तो हर चौक चौराहे पर ये ठेले वाले सेम ही स्ट्रेटेजी के साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे में क्यों इनकी संख्या कम नहीं हो रही है यार, इतना कॉम्पिटिशन है, और ऐसी क्या वजह है जो ये काम इंडिया में आज भी इतना कॉमन हो चुका है? Well, reason number one, poverty rate. हमारे देश में कितनी गरीबी है, फिर भी अगर statistics को देखा जाए, तो हमारे यहाँ का 6% population आज भी गरीबी में जी रहा है। हालांकि अगर reports की माने, तो इंडिया ने 2011 के बाद अपना poverty rate count ही नहीं किया है। लेकिन United Nations ऐसा अंदाजा लगा रहा है कि 2019 में इंडिया का poverty rate 28% हो गया था। अब जाहिर सी बात है, अगर population का इतना बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा होगा, तो उनके पास खाने पीने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं होती, जिसके बाद लोगों की यही जरूरत उन्हें भीख मांगने से ज्यादा वो काम करने की प्रेरणा देती है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न ज्यादा। रीजन नंबर टू, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अगर गरीबी ही ज्यादा होगी तो पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अगर इन ठेले वालों को कभी कहीं काम करने का मौका भी मिलता है, तो देश का 7.7% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनसे वो मौका छीन लेता है। क्योंकि एक तो पहले से इंडिया में नौकरी की कमी है, उसमें अगर वो मिलती भी है तो किसी ऐसे इंसान को मिलती है जो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और यही वजह है इन ठेले वालों को अपने लिए खुद ही काम करके ऐसे छोटे मोटे टेम्पररी बिजनेस शुरू करने का रास्ता दिखाई देता है। रीजन नंबर थ्री, मिडिल क्लास स्पेंडिंग। अब फ्रेंड्स, इस ऑक्यूपेशन के बढ़ने की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है हम जैसे लोग, यानी मिडिल क्लास पॉपुलेशन, जो इंडिया के 28% पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करती है, जिनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर देन 70% कंट्रीब्यूट करती है। अब ऑब्वियस है कि जहां स्पेंडिंग है वहां डिमांड है, और जहां डिमांड है वहां सप्लाई के लिए ऐसे ठेले वालों के बिजनेसेस है। क्योंकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन काफी किफायती बजट लेके चलती है, और इसीलिए वो अक्सर इन ठेले वालों से सामान खरीदते हुए इनका प्रॉफिट करवा देती है, जिस वजह से इन्हें इस बिजनेस में आने का बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार ये स्ट्रीट वेंडर्स कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट के लालच में भी ठेले वाला बनना पसंद करते हैं, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में ये पता चला कि यूपी के कानपुर में सड़कों पर रेड़ी लगाने वाले और कूड़े कबाड़े वालों में से 250 लोग मिलियनेयर्स थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपयों की सिर्फ प्रॉपर्टीज खरीदी थी। इतना ही नहीं, इन 250 लोगों में से कई रद्दी पेपर वालों के पास खुद की तीन तीन गाड़ियां भी थी। और ऐसा ही एक रेवलेशन जिसमें ये पता चला था कि कचोरियां बेचने वाला बंदा सालाना के 60 से 70 लाख रुपए कमाता था। लेकिन ये सभी वो लोग थे जिनके बारे में आईटी डिपार्टमेंट को पता चल गया था, जबकि इंडिया में ऐसे 50 से 60 लाख वेंडर्स है, और ऐसे में सोचो उनमें से किसने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ है? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले साल लॉकडाउन में गवर्नमेंट इन्हें 10,000 का लोन नहीं देती। पर हाँ, इससे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, ज्यादातर ये ठेले वाले इलीगल ही अपना धंधा लगाते हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने इनके लिए लाइसेंसिंग और स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू किया है। फिर भी ये हर बार लाइसेंसिंग की जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइन देना ज्यादा बेहतर समझते हैं, और पुलिस ऑफिसरों को पैसा खिलाना, क्योंकि अगर इन्होंने लाइसेंसिंग कर अपना धंधा लगाया तो इन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, और इसी टैक्स से बचने के लिए ये फाइन और मिडलमैन को कट देने का सहारा अपनाते हैं। लेकिन क्या इनका इस तरह से इलीगली धंधा लगाना सही है या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताना। और अगर इन रोड साइड वेंडर्स की असली कमाई ने आपको अपनी कमाई पे सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि आगे ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कॉइन स्विच कुबेर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, इसमें आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री मिलेंगे। ट्रेड करो और इन्वेस्ट करो और पैसे अर्न करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।